हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। आप सभी अच्छे होंगे। तो बेटा, मैंने कल बताया था इस चैप्टर के बारे में, अगर कुछ भी रह गया हो तो बेटा मैं कल डिस्कस करूँगा। तो बेटा, इस चैप्टर में ज़्यादा तो कुछ नहीं रहा है, सिर्फ एक आपकी हेडिंग रह गई है, वो भी मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। वो क्या है बेटा? वो है मोल परिकल्पना। क्या है बेटा? मोल परिकल्पना। तो बेटा, जो मोल परिकल्पना है ना बेटा, ये क्या है कि ये एक संख्या होती है जो मैं आपके सामने अभी लिखूंगा, ठीक है ना। वो संख्या क्या है? वो संख्या ये होती है 6.023 × 10⁻²। इसे कहते हैं बेटा मोल परिकल्पना। क्या कहते हैं बेटा इसे? मोल परिकल्पना कहते हैं बेटा इसको। तो ये जो संख्या है ना आपकी, ये हेडिंग रह गई थी जो मैंने आपको बता दी, इसे कहते हैं बेटा मोल पर संकल्पना। क्या बेटा? मोल पर कल्पना। ये जो होती है ना, ये होती है बेटा। तो इस पर सवाल आते बेटा, अब सवाल भी कराएंगे लेकिन वो बाद में कराएंगे। तो ये आपका चैप्टर बेटा यहाँ पर फिनिश होता है। अगर किसी को कोई प्रॉब्लम है या फिर कुछ भी आपको क्वेरी करनी है तो मेरे से बता सकते हो, या आपके चैप्टर में कोई दिक्कत आई हो तो मेरे को बता सकते हो। तो बेटा, आज हम आपका नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं। चैप्टर नंबर आपका 4 है। चैप्टर नंबर 4 है आपका परमाणु की संरचना। आपका चैप्टर नंबर 4 है परमाणु की संरचना। तो बेटा, इसको हम कैसे कर सकते हैं? तो ज़्यादातर मैंने आपको इस परमाणु के बारे में चैप्टर नंबर 3 में बता दिया था, क्योंकि वो भी चैप्टर इसी से संबंधित था। तो उसमें मैंने बताया था कि परमाणु और अणु था, इसमें बेटा परमाणु बताया था। तो मैंने ये बोला था कि जो परमाणु होता है वह एक सूक्ष्म कण है। ये कैसा है बेटा? बहुत सूक्ष्म कण है और इसका हम आगे विभाजन नहीं कर सकते। तो ये बहुत सूक्ष्म कण है, तो इसके बारे में अभी आपको डिटेल में बताऊंगा, तो पूरा एक्सप्लेन करूंगा मैं इसके बारे में। तो सबसे पहले हम एक छोटा सा परमाणु बनाते हैं। तो ये मेरे पास कोई परमाणु है, ये मैंने उस दिन भी बताया था, ये परमाणु होता है और ये परमाणु का नाभिक है। क्या है? नाभिक। और मैंने बताया था कि परमाणु के नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं बेटा? प्रोटॉन न्यूट्रॉन पाए जाते हैं। अच्छा, ये जो इलेक्ट्रॉन है इनमें क्या करता रहता है? चक्रण करता रहता है, घूमता रहता है बेटा। तो ये जो आप इनको बोलोगे, ये कहते हैं इनको, इन्हें कहते हैं कोष या कक्षक, ठीक है बेटा। इनके भी अंदर पाए जाते हैं छोटे छोटे, उन्हें कहते हैं, इनके अंदर भी छोटे छोटे पाए जाते हैं। ये जो भी हैं इनके अंदर पाए जाते हैं, उन्हें कहते हैं उपकोष। क्या कहते हैं बेटा? उपकोष कहते हैं। तो ध्यान रखना बेटा, ठीक है ना, ये चीज़ आपको पाई जाती है। अब आगे इसी चैप्टर को आगे बढ़ाते हुए मैं आपको कुछ परिभाषाएं बता रहा हूँ जो इससे संबंधित हैं। तो परिभाषाएं क्या हैं? सबसे पहले आप देखोगे कि सबसे पहले इसकी जो खोज की गई थी वो मैंने बताया था, महर्षि कणांद्र ने बताया था। कितने बेटा? महर्षि कणांद्र ने बताया था कि जो परमाणु होता ना, ये बहुत सूक्ष्म कण है और इसका बेटा हम आगे विभाजन नहीं कर सकते, ठीक है ना। और इसी क्रम में एक साइंटिस्ट आए थे, जो मैं उसका नाम बता रहा हूँ बेटा, डाल्टन। कौन बेटा? डाल्टन, जो 1808 में आए थे। कब आए थे बेटा? 1808 में आए थे। और उन्होंने बताया था कि सबसे पहले जो पॉइंट दिया था कि जो परमाणु होता है वो कैसा बेटा? बहुत सूक्ष्म कण होता है, ठीक है बेटा। तो विभिन्न विभिन्न वैज्ञानिकों ने इसके अपने अपने मत दिए। तो सबसे पहले बात करते हैं बेटा
हम बात करते हैं परमाणु की संरचना, ठीक है ना, तो वो किस प्रकार दी गई थी, तो मैं आपको कुछ पढ़ के बता रहा हूँ बुक्स में से बेटा, देखो समझो। उन्नीसवीं शताब्दी तक जान लिया गया था कि परमाणु साधारण अब अविभाज्य कण नहीं है, बल्कि इसमें कम से कम एक अब परमाणु कण इलेक्ट्रॉन विद्यमान, जिसका पता जे थॉमसन ने लगाया था। इलेक्ट्रॉन संबंध जानकारी प्राप्त होने पहले ही गोल्डस्ट ने एक नया विकिरण खोज ली जो कैनार रे का नाम दिया था, ठीक है ना। तो मैं आपको बता रहा हूँ, मैं फिर से आपको उन चीज़ों को एक बार लिख रहा हूँ जो मैंने बेटा आपको उस दिन बताई थी, कि सबसे पहले एक तो मैंने आपको ट्रिक बताई थी ईंट पर नाच, बताया था ना बेटा मैंने आपको। तो ये होता है बेटा अपना इलेक्ट्रॉन, क्या होता है बेटा अपना, ये अपना इलेक्ट्रॉन होता है जो किसने की थी, थॉमसन ने, या आप कह सकते हैं थॉमसन, क्या बेटा थॉमसन कह सकते हैं। ये था आपका प्रोटॉन, क्या था बेटा